Alright. Hi guys, what's up? Kamal Achyo, welcome back to my channel. आज मैं अपने साथ शेयर करूंगी माय समर एसेंशियल्स. वैसे तो मेरे पास समर एसेंशियल्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैं समर में यूज करती हूँ, यूज करना पसंद करती हूँ, जिसके बिना मैं समर सोच भी नहीं सकती हूँ. लेकिन आज मैं अपने साथ शेयर करूंगी माय टॉप 10 समर एसेंशियल्स अंडर ₹500. ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना 500 के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा. एंड इसमें से आई थिंक एक दो प्रोडक्ट जो है 500 से ज्यादा है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स 500 के अंदर ही है. एंड समर आ गया है गाइस, तो मेरे ख्याल से जो जो प्रोडक्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वो सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि अमेजिंग प्रोडक्ट्स है, बजट फ्रेंडली है, इफेक्टिव है. सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा. तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं. इंट्रो को मैं और लंबा नहीं करूंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक माई कंटेंट. आई मोस्टली पोस्ट अबाउट स्किन केयर, फैशन, मेकअप, हेयर केयर, पैम्पर रूटीन, सेल्फ केयर वीडियो एंड शावर रूटीन इस चैनल में. अगर आपको ऐसे टाइप का कंटेंट देखना पसंद है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साइड पे एक बेल आइकन आएगा उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. में समर एसेंशियल प्रोडक्ट जो है वो है एलोवेरा जेल. एंड जो मैं यूज कर रही हूँ सालों से वो है बॉडी क्यूपिड के एलोवेरा जेल, 99% प्योर जेल, मल्टीपल ब्यूटी बेनिफिट्स, वर्क्स फॉर ऑल स्किन एंड हेयर टाइप्स. ये जो बॉडी क्यूपिड के एलोवेरा जेल है ना, इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, आर्टिफिशियल कोई भी कलर्स नहीं है, ट्रांसपेरेंट है एंड 99% प्योर जेल है. ये जो बॉटल है आई थिंक ये 7-8 या फिर ज्यादा 10 नंबर बॉटल है, मतलब सालों से मैं यूज कर रही हूँ यही ब्रांड के एलोवेरा जेल. आई लव दिस एलोवेरा जेल गाइस. एलोवेरा जेल समर्स के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है. ये आपके सनबर्न को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ अगर आपके स्किन पे इरिटेशन आ जाए सन की वजह से उसको भी काम डाउन करने में हेल्प करता है. समर के टाइम पे बहुत सारे लोगों के स्किन पे एंड बॉडी पे रैशेज आ जाता है, उसको भी काम डाउन करने में हेल्प करता है. छोटे छोटे दाने भी आ जाता है स्किन पे, उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है. स्किन को सूद रखता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करता है. बहुत ही जेंटल है एंड मेरे ख्याल से ये सबके स्किन पे सूटेबल है. अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है तो आप बम्बू जेल या फिर आप लोटस जेल भी यूज कर सकते हो. अगर आप लोग बहुत दिनों से मुझे फॉलो करते हो तो आप लोग जानते हो कि सारे वीडियो में जो मैंने DIY की है, जब भी मैं स्किन को शेव करती हूँ मैं सिर्फ इसी एलोवेरा जेल को यूज करती हूँ बिफोर शेव एंड आफ्टर शेव. तो आई लव दिस एलोवेरा जेल. इनिसफ्री की एक एलोवेरा जेल है, वो भी आप यूज कर सकते हो. आप और एक एलोवेरा जेल जो कि है फेस शॉप के एलोवेरा जेल, वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा प्राइसी रेंज में है. एंड ये जो प्राइस है ना, मैं आपको देख के बता रही हूँ, इसका प्राइस जो है ओनली ₹299 एंड इसका क्वांटिटी जो है 200 ml गाइज. बहुत लंबा चल जाएगा अगर आप ये परचेस करोगे तो. समर में जो मेजर प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो है बॉडी टैनिंग गाइस. मैं भी बॉडी टैनिंग की प्रॉब्लम फेस करती हूँ समर के टाइम पे. एंड उसके लिए मैं कभी कभी DIY बॉडी स्क्रबर यूज करती हूँ एंड कभी कभी मैं रेडीमेड बॉडी स्क्रबर भी यूज करती हूँ. मेरे चैनल में एक बॉडी केयर रूटीन है जहाँ पर मैंने एक बॉडी स्क्रबर यूज की है, DIY बॉडी स्क्रबर. एंड ओ माय गॉड, उस वीडियो में बहुत सारे व्यूज आए हैं. एंड वो जो रेमेडी मैंने शेयर की थी उस वीडियो में, बहुत ही अमेजिंग रेमेडी था. 100 में से 80% टैन रिमूव करने में हेल्प करता है एंड वो मैं कभी कभी यूज करती हूँ बॉडी से टैन रिमूव करने के लिए. लेकिन उसको बनाने के जो प्रोसीड्योर है बहुत ज्यादा लेंदी है, मतलब आप बहुत दिनों तक उसको स्टोर नहीं कर सकते हो, 5 to 6 days के लिए स्टोर कर सकते हो एंड बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स की भी जरूरत होती है. तो मेरे पास एक अमेजिंग प्रोडक्ट है गाइस, अमेजिंग प्रोडक्ट है बॉडी टैनिंग को रिमूव करने के लिए एंड वो है प्लम बॉडी लविंग रेंज से. ये वनीला वाइब्स, ये शुगर बॉडी स्क्रब है एंड आई लव शुगर बॉडी स्क्रब. साथ ही साथ ये वनीला फ्रेग्रेंस है
एंड आप लोगों को पता है, जो लोग मुझे बहुत दिनों से फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि मुझे वनीला कोकोनट फ्रेग्रेंस, स्वीट फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी आप इसको यूज करोगे ना, आपको लगे, आपको ऐसा फील होगा कि आप चॉकलेट शॉप में या फिर कपकेक शॉप में आप बैठे हो, इतना अच्छा फ्रेग्रेंस है। साथ ही साथ इसका जो स्क्रब है ना, बहुत ही ज्यादा माइल्ड है, लेकिन आपके मतलब बॉडी से जितने सारे टैन है ना, वो रिमूव करने में हेल्प करता है। बॉडी की जो स्किन है ना, उसको ब्राइट बनाने में हेल्प करता है, लेकिन आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा। बहुत ही अच्छे से स्किन पे ब्लेंड होता है एंड बॉडी से टैन रिमूव करने के साथ साथ ये ना स्किन को काफी हद तक मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। ऐसे लगेगा कि आप कोई ऑयल अप्लाई की हो आपके बॉडी में, इसको वॉश करने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, स्किन ग्लो करता है, वीडियो में आप देख ही सकते हो। तो वन ऑफ माई फेवरेट बॉडी स्क्रब, आई लव दिस पैकेजिंग, आई लव दिस प्रोडक्ट। टैन रिमूव करने में हेल्प करता है, स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। हाईली रिकमेंड करूंगी मैं। ओके, नंबर 3 समर एसेंशियल में है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, वो है सनस्क्रीन। गाइज, सनस्क्रीन जो है सिर्फ समर में नहीं, आपको पूरे साल यूज करना है, कभी भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किन को ठीक तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हो सन डैमेज से, तो आपको सनस्क्रीन कभी स्किप नहीं करना है। अगर आप सनस्क्रीन स्किप कर देते हो तो स्किन जो है डैमेज हो जाएगा, एंड अगर स्किन डैमेज हो जाएगा ना, उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी वो रिकवर भी नहीं होता है। तो सन डैमेज से स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन मस्ट है। एंड सनस्क्रीन के एक रूल भी है कि सनस्क्रीन जब भी आप यूज करोगे ना, 3-4 आवर्स बाद बाद आपको वो रीअप्लाई भी करना है अच्छे से स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड आप अभी सोच रहे हो कि मेकअप के ऊपर सनस्क्रीन कैसे रीअप्लाई करूं, मेकअप खराब हो जाएगा, एंड दिस इज वेरी ट्रू। मेकअप के ऊपर अगर आप क्रीम सनस्क्रीन यूज करोगे तो मेकअप जो है थोड़ा सा ग्रीसी हो जाता है, ऊपर से समर भी है तो ऑयली भी हो जाएगा फेस। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिससे आप मेकअप के ऊपर आराम से यूज कर सकते हो, मेकअप बिल्कुल भी हिलेगा नहीं जगह से, मेकअप बिल्कुल भी ग्रीसी ऑयली नहीं होगा, ऊपर से मेकअप जो है सेट भी रहेगा। एंड वो है डर्माको की न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, माई करेंट फेवरेट, ऑल टाइम मेरे बैग में रहता है, एंड वो है मैटिफाइंग 100% मिनरल पाउडर सनस्क्रीन, डर्माको ब्रांड्स है। एंड ये है SPF 50 PA++++, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है। इसके अंदर ना आपको ऐसे टाइप के ब्रिसल्स भी मिलेगा, ब्रश जैसा, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से आपके पूरे फेस में अप्लाई कर सकते हो, मेकअप भी सेट हो जाएगा। सिर्फ मेकअप के ऊपर नहीं, मेकअप के नीचे भी आप इसे यूज कर सकते हो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद। इसके अंदर है हाइलुरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखेगा, एंड ड्यूवी फिनिश इट प्रोवाइड करता है। एंड इसके अंदर है वाइटामिन ई जो सन डैमेज को रिड्यूस करता है, टाइटेनियम डिऑक्साइड है जो आपको यूवी रे से स्किन को प्रोटेक्ट करता है, एंड साथ ही साथ ये आपके जो फाइन लाइन्स है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, एंड ब्लू लाइट से भी स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड इसका जो कलर है ना, ये न्यूट्रल कलर में है, तो कोई भी स्किन टोन पे मैच हो जाएगा, बिल्कुल भी व्हाइट व्हाइट नहीं लगेगा। एंड ये सनस्क्रीन जो है ना, आपको मैट फिनिश लुक प्रोवाइड करेगा, एंड साथ में ये 2500+ स्ट्रोक प्रोवाइड करेगा, जो कि आप बहुत दिनों तक यूज कर सकते हो। एंड इस पाउडर सनस्क्रीन के साथ मेरा ऑल टाइम फेवरेट सनस्क्रीन भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिससे मैं एवरीडे बेसिस यूज करती हूँ। ये है डर्माको की 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल SPF 50 PA++++ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन देता है। एंड ये सेम सनस्क्रीन है, सिर्फ ये पम्प पैकेजिंग में है एंड ये ट्यूब पैकेजिंग में है। इसका क्वांटिटी है 50 grams, एंड इसका जो क्वांटिटी है वो है 80 grams। इंग्रेडिएंट सेम है, हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन ई है, एंड ये तीनों जो प्रोडक्ट है ना, फ्रेग्रेंस फ्री है। तो अगर आपके सेंसिटिव स्किन है, फ्रेग्रेंस से एलर्जिक हो, तो आराम से इसे यूज कर सकते हो। एंड ये सनस्क्रीन जो है ना, जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, तो बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट प्रोवाइड नहीं करता, आप वीडियो में देख ही सकते हो, बहुत ही अच्छे से स्किन पे ब्लेंड हो जाता है। इसको अप्लाई करने के बाद एक ड्यूवी फिनिश भी देता है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं बनाएगा, एंड बिल्कुल भी स्किन को ऑयली एंड ग्रीसी नहीं बनाएगा, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगा, एंड सन से स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा। तो जब भी आप डर्माको की वेबसाइट से कुछ प्रोडक्ट परचेज करोगे ना, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एडुकेट अलोंग विद भूमि। दे हैव प्लेज टू हेल्प 10,000+ स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर, जो कि काफी अच्छा एक इनिशिएटिव है।
एंड डर्माकोर के सारे प्रोडक्ट्स जो है ना आपको अवेलेबल मिल जाएगा डर्माकोर की खुद की वेबसाइट में Amazon, Nykaa एंड Flipkart में। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जरूर डाल दूंगी एंड आप यूज कर सकते हो मेरे कूपन कोड जो कि है MON2023 टू गेट 20% डिस्काउंट। ओके, नंबर 4 समर एसेंशियल जो है वो स्कैल्प के लिए है गाइस, लेकिन मैं आपको डेली बेसिस इसको यूज करने की रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि अगर आप डेली बेसिस इसे यूज करोगे तो स्कैल्प डैमेज भी हो सकता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी हो सकता है एंड बिल्डअप भी हो सकता है, लेकिन आप इसे ओकेजनली रेयरली कभी कभी यूज कर सकते हो एंड वो है ड्राई शैम्पू। एंड जो ड्राई शैम्पू मैं यूज करती हूँ वो है बटीस्ट की ड्राई शैम्पू ब्लश फ्लर्टी फ्लोरल एंड ये एब्सोल्यूट फेवरेट ड्राई शैम्पू है। आप देख सकते हो इसका साइज मिनी साइज में है, ट्रेवल साइज में है, मेरे पास फुल साइज में भी अवेलेबल है जो कि मेरे ऊपर की जो फ्लैट है वहां पर है। एंड ये जो मैंने लिया है ये मैंने रिसेंटली ली है मेरे जिम बैग के लिए क्योंकि अभी समर आ गया है एंड स्कैल्प जो है बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है एंड मेरे स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है एंड मैं डेली वर्कआउट करती हूँ, इंटेंस वर्कआउट करती हूँ, तो आप समझ रहे होंगे कि स्कैल्प जो है कितना जल्दी ऑयली हो जाता है। अगर मैं आज शैम्पू करूंगी तो 2 दिन बाद स्कैल्प जो है बहुत ही ऑयली हो जाता है, लेकिन मैं वीक में 2 टाइम्स शैम्पू करती हूँ। मैं सबको यही रेकमेंड करूंगी जिन लोगों के स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है 2 टाइम्स शैम्पू जरूर करना वीक में। अगर जिम से मुझे कहीं पर जाना होता है तब मैं इसे यूज करती हूँ, अगर मुझे सडनली शूट करना पड़ता है तब मैं इसे यूज करती हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मल शैम्पू करती हूँ आपके अपने हेयर में। एंड ये जो ट्रबल साइज है ना इसका क्वांटिटी है 30 ग्राम्स एंड ये आप बहुत टाइम तक यूज कर सकते हो क्योंकि आप इसे रेगुलर बेसिस यूज नहीं करोगे, ओकेशनल यूज करोगे। एंड इसका प्राइस 279-280 रुपीज अंडर 300 रुपीज में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, साइज भी बहुत ही क्यूट है एंड ये इफेक्टिव है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। समर मस्ट हैव प्रोडक्ट है ये, समर के लिए ये तो आपके पास होनी चाहिए। नंबर 5 में जो है वो मैं समर एसेंशियल नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं उसे पूरे साल ही यूज करती हूँ, वो है फेस मिस्ट। एंड समर के टाइम पे फेस मिस्ट यूज करने की मजा कुछ अलग है। अगर आप ऐसी जगह में हो जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है एंड आप फेस मिस्ट को अप्लाई कर लोगे ना तब तो बहुत ही रिलैक्स फील होगा, बहुत ही फ्रेश फील होगा, तो मैं ऑल टाइम मेरे बैग में एक फेस मिस्ट रखती हूँ। एंड जो फेस मिस्ट मैं हमेशा यूज करती हूँ, सालों से मैं यूज कर रही हूँ एंड बहुत सारे वीडियोस में आप लोग देखे होंगे एंड जब तक ये ब्रांड रहेगा तब तक मैं इसी ब्रांड की फेस मिस्ट यूज करूंगी, वो है कामा आयुर्वेदा की फेस मिस्ट। आई लव देयर फेस मिस्ट गाइज, बहुत ही अमेजिंग है, प्योर फेस मिस्ट है, आपको इंस्टेंट फ्रेश कर देगा, आपके स्किन को जो हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट जो फेस मिस्ट है वो है कामा आयुर्वेदा की प्योर मोगरा वाटर। ओ माय गॉड, इसका जो फ्रेग्रेंस है ना क्या ही बताओ, बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है, ये आपको बिल्कुल भी हेडेक प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि मुझे ना फ्रेग्रेंस से हेडेक हो जाता है, तो मैं ऐसे फ्रेग्रेंस की प्रोडक्ट यूज करती हूँ बहुत, जो कि बहुत ज्यादा माइल्ड है, तो ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड है। साथ ही साथ ये स्किन की जो पीएच है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, आपके जो एजिंग की प्रॉब्लम है उसको भी रिड्यूस, काफी हद तक रिड्यूस करने में हेल्प करता है, स्किन को हाइड्रेटेड भी रखता है। एंड और एक फेस मिस्ट मैं यूज करती हूँ प्योर रोज वाटर जो है, आप इसे टोनर की तरह भी यूज कर सकते हो, फेस मिस्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, इनफैक्ट आप मोगरा वाटर को भी टोनर की तरह यूज कर सकते हो एंड फेस मिस्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। तो मैं हमेशा बैग में रखती हूँ एक छोटे साइज की फेस मिस्ट एंड इसे मैं जब भी मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मैं फ्रेश फील नहीं करती हूँ तब मैं फ्रेश फेस में से स्प्रे करती हूँ एंड ये ना एंग्जाइटी से भी बहुत हद तक हेल्प करता है, एंग्जाइटी को कम करने के लिए ये रोज वाटर बहुत ही हेल्प करता है मुझे। मेरे पास जो साइज है वो है 50 ml की एंड इसका प्राइस जो है 479 रुपीज की है एंड ये बहुत दिनों तक आप इसे यूज कर सकते हो, आप इसे पर्स में कैरी कर सकते हो एंड आप इसे कोई भी बैग में कैरी कर सकते हो एंड आप अगर चाहो तो फुल साइज में परचेस कर सकते हो। ये मैंने 200 ml की मैंने परचेस की थी, आई थिंक इसका प्राइस जो है 900-950 रुपीज के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ओके, नंबर 6 समर एसेंशियल में जो प्रोडक्ट है वो मैंने रिसेंटली परचेस की है एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर देते हैं इस वीडियो में क्योंकि ये समर के लिए बहुत ही एसेंशियल है, ये स्किन के लिए है एंड ऑयल को कंट्रोल करने के लिए है। हम लोग क्ले मास्क यूज करते हैं ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली समर के टाइम पे क्ले मास्क जो है बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है एंड मैं जो प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी वो है क्विच ब्रावोकाडो डीप क्लींजिंग क्ले मास्क। एंड इसको यूज करने के बाद बिल्कुल भी स्किन जो है ड्राई फील नहीं होगा, बहुत सारे क्ले मास्क यूज करने के बाद स्किन जो है
टाइट हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट है वो है केओलिन क्ले एंड बेंटोनाइट क्ले, जो कि आपके स्किन को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है एंड साथ ही साथ डीपली क्लीन करने में भी हेल्प करता है। तो ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन जिन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है एंड मैं हाईली रेकमेंड करूंगी। इसका क्वांटिटी है 50 ml एंड ये इसका प्राइस 499 rupees है। बहुत दिन तक आप इसे यूज कर सकते हो, आप टब देख सकते हो, बहुत स्लिक पैकेजिंग है एंड इसके अंदर बहुत सा वो एक्सट्रीम फ्रेग्रेंस नहीं है, माइल्ड फ्रेग्रेंस है एंड अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो एंड इसे आप वीक में 2-3 times यूज कर सकते हो। मैं तो फेस मास्क जो है वीक में 2 times यूज करती हूँ क्योंकि मैं एवरीडे बेसिस मेकअप करती हूँ, तो मुझे फेस मास्क जो है बहुत ज्यादा पसंद है एंड मैं समर के टाइम पे जो है ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मुझे ये प्रोडक्ट काफी पसंद आया है। तो अगर आपके ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ओके, जो नेक्स्ट समर एसेंशियल है ना वो सबके पास होनी चाहिए, सबके पास, वो है एक गुड अंडरआर्म्स रोल ऑन एंड एक गुड परफ्यूम। एंड जो रोल ऑन मैं हमेशा यूज करती हूँ, ऑल टाइम फेवरेट जो है वो निविया की ये डिओड्रेंट व्हाइटनिंग सेंसिटिव 48 hour प्रोटेक्शन 0% अल्कोहल है, मुलेठी एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर एंड अंडरआर्म्स को इवन टोन बनाने में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये व्हाइटनिंग जो पार्ट है ना वो मुझे पता नहीं ये कितना व्हाइट करता है, इसकी वजह से मैंने परचेस नहीं की है। इसके फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज्यादा सूदिंग लगता है, इसीलिए मैं इसे परचेस करती हूँ। ये 48 hours के लिए आपके जो बॉडी ओडर है उसको कंट्रोल करेगा, लेकिन आई डोंट नो ये 48 hours के लिए करता है कि नहीं करता है, लेकिन मैं इसे सुबह लगाती जाती हूँ ऑफिस से आने के बाद भी ये मेरे बॉडी में रहता है, बहुत ही अच्छा है। एंड नेक्स्ट जो मेरे रिसेंट फेवरेट है वो है रेनी की ब्लूम एंड ओ माय गॉड, ये बहुत ही हाइप एक परफ्यूम है, सबके पास ये अवेलेबल होगा अभी क्योंकि बहुत ही अच्छा है एंड मैंने इसको परचेज की थी बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो को देखने के बाद एंड सच में गाइज ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा परफ्यूम है एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो है 15 ml। मैंने ट्रैवल साइज में मैंने परचेज की थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये सच में इतना अच्छा है कि नहीं, क्योंकि मैं ना परफ्यूम जब परचेज करती हूँ माइल्ड परफ्यूम पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे हेडेक की प्रॉब्लम है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस से मुझे हेडेक आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको ट्रैवल साइज में परचेज की है। अभी मैं इसको फुल साइज में परचेस करूंगी, डेफिनेटली परचेस करूंगी एंड इसे अभी मैं मेरी जो ऑफिस बैग है उसे मैं उस बैग में मैं कैरी कर रही हूँ। साइज बहुत ही अमेजिंग है एंड जो पैकेजिंग है ना बहुत सा क्लासी है, कोई भी हाई एंड ब्रांड की पैकेजिंग के साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हो एंड इसका जो प्राइस है ना बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, 299 rupees में आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। वो अगर आपको फ्रूटी फ्लोरली काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस पसंद है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, मुझे स्वीट एंड लिटिल बिट फ्लोरली पसंद है फ्रेग्रेंस, तो इसीलिए मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, समर के टाइम पे जो है ना मैं मेकअप यूज ज्यादा नहीं करती हूँ एवरीडे बेसिस, लेकिन मैं एक मेकअप प्रोडक्ट जरूर यूज करती हूँ, मैं एवरीडे बेसिस यूज करती हूँ, वो है लिप एंड चीक टिंट एंड जो करेंट मेरा फेवरेट लिप एंड चीक टिंट है वो है रिकोट की ये लिप एंड चीक टिंट एंड ये ना मेरे पास PR में आया था एंड जब से आया था ना मुझे इतना ज्यादा पसंद है ये जो लिप एंड चिक टिंट है, बहुत ही अच्छे से चिक्स में जो है ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी पैची नहीं लगता है। अभी भी मैंने अप्लाई की है अपने फेस पे, आप देख सकते हो एंड इसे ना आप बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हो, आप इसे लिप्स में अप्लाई कर सकते हो, आप इसे चिक्स में अप्लाई कर सकते हो, आप इसे आई शेडो की तरह भी यूज कर सकते हो, तो मैं इसे हर तरीके से यूज करती हूँ। स्पेशली समर टाइम पे मुझे चिक टिंट बहुत ज्यादा पसंद है, क्रीम ब्लशेस बहुत ज्यादा पसंद है एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल है। आई थिंक इसका प्राइस है ना वो है 347 rupees, 500 के अंदर ही है एंड मेरे पास जो शेड है वो है एक्चुअली अपन ना इतना मैंने यूज की है कि ये जो स्टिकर है ना वो फेड हो गया है, तो इसका शेड नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ये पीची एंड टेराकोटा शेड में है, आप देख सकते हो एंड ये फेयर स्किन टोन पे एंड मीडियम स्किन टोन पे बहुत ही अच्छा जाएगा। मेरे सिस्टर की जो स्किन है ना वो मीडियम स्किन टोन में है, मीडियम टू डार्क स्किन टोन है उसकी, तो वो बहुत ही पसंद करती है, उसके स्किन पे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि समर में लिप एंड चिक टिंट जो है ना मस्ट हैव प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से। तो समर में आपको फ्रेश दिखने के लिए एंड फ्रेश फील करने के लिए आपको यूज करना होगा शावर जेल, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एंड गुड फ्रेग्रेंस के एक शावर जेल आपको यूज करना है। मेरे पास जो शावर जेल है ना
वो मैं आपको 100% गारंटी दूंगी, वो आपको पसंद आएगा ही आएगा। वो है फियामा की ये शावर जेल ब्लैक करंट एंड बर्बरी, वन ऑफ माय फेवरेट अफोर्डेबल रेंज की शावर जेल है एंड किसी भी स्टोर पे ये अवेलेबल आपको मिल जाएगा, नियरेस्ट आपके जो ग्रोसरी स्टोर है या फिर नियरेस्ट ब्यूटी स्टोर पे भी आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। इसका क्वांटिटी है 250 ml एंड इसका प्राइस जो है ना 150 rupees। इसका फ्रेग्रेंस जो है ना बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है, ओह माय गॉड, इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही सिमिलर है बाथ एंड बॉडी वर्क्स की एक फ्रेग्रेंस से, शावर जेल की फ्रेग्रेंस एंड ओह माय गॉड, इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा फ्रेश एंड फ्रूटी है। मुझे स्वीट फ्रूटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद है, जब भी मैं इसे यूज करती हूँ ना मेरे बाथरूम जो है ना अलग से एक फ्रेग्रेंस ऐड हो जाता है बाथरूम के अंदर एंड बहुत ही फ्रेश फील करती हूँ जब भी मैं इसे यूज करती हूँ। मेरी स्किन जो है बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील करता है इसे यूज करने के बाद। मेरा करंट फेवरेट, करंट नहीं है, मेरा थर्ड बॉटल है, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट समर शावर जेल है अफोर्डेबल रेंज पे एंड ये इस वीडियो की सेकेंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं की है एंड आई लव दिस प्रोडक्ट, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। अगर आपको गुड शावर जेल चाहिए बजट फ्रेंडली एंड जिसका फ्रेग्रेंस जो है लॉन्ग लास्टिंग है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। तो नेक्स्ट एंड लास्ट समर एसेंशियल प्रोडक्ट है ना वो सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट है इस वीडियो में एंड मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है, वो है ये कलर पॉप शुगर पॉप की नेल लेकर क्लासिक नेल पेंट्स। आप देख सकते हो ब्यूटीफुल कलर एंड ये मेरा करंट फेवरेट नेल पेंट है एंड ये ना कॉफी कलर आप बोल सकते हो, कॉफी कलर की न्यूड कलर है एंड मुझे जो है न्यूड नेल पेंट बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने अभी वेयर करके रखी है आप देख सकते हो एंड ये किसी भी स्किन टोन पे मैच हो जाता है। इसका जो शेड नेम है वो है 29 ब्राउन टाउन। ये जो नेल पेंट्स है इसका फिनिशिंग जो है ग्लॉसी फिनिश है जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, एक शाइन ऐड हो जाता है नेल्स के अंदर एंड बहुत ही लक्स फील होगा इसको यूज करने के बाद एंड ये लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने बहुत टाइम पहले इसको अप्लाई की थी, अभी भी मेरे नेल्स पे है एंड शुगर पॉप के और भी मेरे पास शेड है जो कि अगर आप चाहते हो तो मैं शॉर्ट्स में दिखा सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारी न्यूड कलर की नेल पेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो इसके ऊपर मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगी एंड इसका प्राइस जो है ना वो है आई थिंक 100 rupees इसका प्राइस है, 100 and 120 rupees इतना तक ये आएगा इसका प्राइस एंड अगर आप कोई न्यूड कलर की नेल पेंट्स परचेस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो एंड समर हो या फिर विंटर मुझे ऑल टाइम न्यूड कलर की नेल पेंट्स पसंद है एंड मैं आपको ये डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी समर के टाइम पे क्योंकि बहुत ही प्रीटी कलर है गाइस। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू गाइस फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं की है तो एंड ऑलरेडी अगर आपने सब्सक्राइब कर ली है तो थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, हैंडल जो है स्क्रीन पे दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय। Calling on one day is overdue, but I